हिमाचल में अब स्कूल लेक्चरर भी पीएचडी में एनरोल होने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नए नियमों के तहत कॉलेज के बाद स्कूल लेक्चररों को भी ये सुविधा दी है। इसके लिए नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं होगा। पीजी डिग्री वाले स्कूल लेक्चरर पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें कॉलेज टीचरों और स्कूल लेक्चरों को राहत दी गई है। पीएचडी में दाखिले के लिए 80 नंबर प्रवेश परीक्षा के, 20 नंबर नेट, जेआरएफ और एमफिल के चाहिए। ऐसे में अब कोई भी स्कूल लेक्चरर पीएचडी कर सकेगा। एचपीयू में पीएचडी को लेकर विवाद हुआ था। पूर्व वीसी प्रोफेसर सिकंदर कुमार के कार्यकाल में एचपीयू के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को बिना प्रवेश परीक्षा कोर्स में दाखिला दे दिया गया था। ऐसे में अब तय हुआ है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शिक्षकों से भरी जाने वाली सीटों पर तभी प्रवेश मिलेगा जब विभाग में सीट खाली होगी। वहीं स्कूल लेक्चररों को एंट्रेंस बेस पर एडमिशन दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर एसपी बंसल का कहना है कि अब स्कूल लेक्चरर भी एंट्रेंस आधार पर पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यूजीसी नियमों के तहत ये एडमिशन होगा। एचपीयू के नियमों के मुताबिक कॉलेज के टीचर अब गाइड बन सकते हैं। वे अपने तहत 8 रिसर्च स्कॉलर को एनरोल करके उनसे पीएचडी करवा सकते हैं। पहले सिर्फ हिमाचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही छात्रों को पीएचडी करवाने के लिए पात्र थे।